Welcome to Online Guruji classes. This is part 6th of our lecture series on time, speed and distance. Those who are watching this video for first time, I request them to watch all the videos of time, speed and distance. That is from part 1 to part 5 before watching this video. Clear? Those who have not joined my Facebook group Online Guruji till now, I request them to join my Facebook group Online Guruji. Either you can also subscribe my YouTube channel Online Guruji. Clear? Okay. अभी तक के total 5 parts पे हम लोगों ने time, speed and distance के काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अप्रोच कर लिए हैं. ठीक है, आज का जो ये लेक्चर है दैट इज़ योर पार्ट 6, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेस के कंसेप्ट को. क्लियर? इसके अगले लेक्चर पे, मतलब इससे आने वाले लेक्चर पे हम लोग रेस के ही लेक्चर को डिस्कस करेंगे, बट वो रेस होगा जो कि सर्कुलर ट्रैक पे होता है. क्लियर? आज का जो हम रेस का क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये वो रेस के कंसेप्ट्स होंगे जो आपके लीनियर मोशंस के जो रेस होते हैं. ठीक है, मतलब लीनियर पाथ पे जो रेसिंग होती है. क्लियर? ओके, अब देखो रेस पे आप लोगों के दो फंडास काम करते हैं. ठीक है, नॉर्मल आप लोगों ने बचपन पे रेस किया ही होगा. ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे क्या कंसेप्ट चलता है. ठीक है, बट उसे ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं कंसेप्ट्स को जो आप लोगों ने पहले बचपन में कभी प्रैक्टिकली करा होगा. क्लियर? ओके, सी देखो, रेस के रिजल्ट दो टाइप से हो सकते हैं इन जनरल. ठीक है, वैसे तो वो तो कितने भी टाइप सकते हैं. ठीक है, ओके, मान लो दो लोगों के बीच में रेस हो रही है. ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया. नहीं, 20 नहीं, से ए ने बी को रेस पे 100 मीटर से हरा दिया. ठीक है, तो इस फर्स्ट क्या होता है, इस पे आप लोग रिजल्ट दे रहे हो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस पे. ठीक है, या तो आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि ए ने बी को रेस 10 सेकंड से हरा दिया, मतलब ए बी से 10 सेकंड पहले पहुंचा, तो सेकंड रेस का रिजल्ट इन टर्म ऑफ टाइम के टर्म पे भी हो सकता है. क्लियर? तो देखो, दोनों के फंडे को समझते हैं. ठीक है, और उसके बाद इसी कंसेप्ट्स को हम क्वेश्चंस पे लगाएंगे और देखेंगे कितने इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? ओके, पहले हम लोग समझते हैं डिस्टेंस के टर्म पे. ठीक है, सबसे पहले बात, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने एक ही बात डिस्कस करा है अभी तक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, अब ये देखो, ये एक रेस का ट्रैक है. क्लियर? से ये ट्रैक है 1000 मीटर का. ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q. क्लियर? दो लोगों ने रेस स्टार्ट की, से A और B. क्लियर? दो लोगों ने रेस स्टार्ट की. अच्छा, मैं बोलता हूं कि ए ने इस रेस को मतलब ए ने रेस बी को 100 मीटर से हरा दिया। क्लियर? कैसे बोलेंगे कि ए ने बी को रेस 100 मीटर से हरा दिया। ठीक है, ऐसे ही बोलो, अब पता नहीं क्या बोलते, क्वेश्चंस पे अभी पता चल जाएगा। इसका मतलब ए भागना शुरू हुआ, भागना शुरू हुआ, भागना शुरू हुआ, ए यहाँ पहुँच गया, डेस्टिनेशन में पहुँच गया। ठीक है, दोनों एक साथ ही भागना शुरू करेंगे क्योंकि रेस है ये। ठीक है, बी भी भागा होगा, 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 बी यहाँ पर ही पहुँचा जब तक ए यहाँ पर पहुँच गया होगा। क्लियर? जिस टाइम पे ए यहाँ पर पहुँच गया उस टाइम पे बी यहीं पर पहुँचा था, और बी इस रेस को कितने से हार गया, 100 मीटर से हार गया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? तो इस केस में मुझे बताओ क्या चीज कांस्टेंट है। ठीक है, देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने आपको लेक्चर 1 पे ही बताया था कि इन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ एक कांस्टेंट रह जाती है, उसी कांस्टेंट क्वेश्चंस, उसी कांस्टेंट के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? इसका मतलब जित से यहाँ पर रेस शुरू हुई 10 बजे, दोनों अपने स्पीड से भागने शुरू करे, ये एस ए से भागा, ये एस बी से भागा। क्लियर? 10 बज के, मैं सब चीज अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे, 10 बज के 10 मिनट पे ए यहाँ पे पहुंच गया। उस टाइम पे 10 बज के 10 मिनट पे बी यहाँ पर था। ठीक है, और वो रेस 100 मीटर से हार गया। क्लियर? तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए ने 1000 मीटर कवर किया है। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बी ने 900 मीटर कवर करा है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? तो क्या चीज कांस्टेंट है, देखो ये 10 मिनट तक ए चला, 10 मिनट तक ही बी चला, इसका मतलब दोनों ने जिस पॉइंट पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस पॉइंट तक टाइम कांस्टेंट था। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो बिल्कुल आपके सामने मैंने दिखा रखा, जिस पॉइंट पे आप लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर किया उस पॉइंट पे क्या कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट था। ठीक है, आपको पता है कि अब टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना। इफ T is constant, इसका मतलब देखो T तो बराबर है इस A के लिए भी और B के लिए भी, क्योंकि दोनों ने टाइम तो उतना ही लिया, जब A यहाँ था B यहाँ था, और दोनों की रेस क्योंकि 7 पे स्टार्ट हुई थी तो टाइम सेम लिया था। मतलब अगर इसने T टाइम लिया तो इसने भी T टाइम लिया, यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर? इफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप लोगों को पता है इफ टाइम इज कांस्टेंट, इस पे अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर? तो इन टर्म ऑफ, जब आप लोगों का रिजल्ट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस दिया जाता है, मतलब ऐसा रेस है कि 1 किलोमीटर का रेस है, उस रेस को ए ने बी के मुकाबले जीता, और ए ने जब उस रेस को जीता तो बी क्या था, से 200 मीटर दूर था। ठीक है, तो जब भी रेस का रिजल्ट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस पे दिया जाएगा तो वहां पर आप लोगों को क्या पता है, उस केस में क्या होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का फंडा लगाओगे आप लोग। ये फंडा लगेगा कैसे क्वेश्चंस पे, वो अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उस पे मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? सेकेंड केस देखते हैं, सेम कंडीशन P और Q एक रेस ट्रैक है 100 मीटर का, क्लियर। यहाँ से ए और बी भागना शुरू हुए, क्लियर। से 10-10 पे भागना, 10 बजे भागना। ए भागा, ए यहाँ पहुंच गया डेस्टिनेशन। बी भी भागा, से बी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है जिस टाइम पे अब रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है। और रिजल्ट कैसे अनाउंस होता है? रिजल्ट अनाउंस होता है कि ए ने इस रेस को 15 सेकंड से जीत लिया है। इसका मतलब अगर ए यहाँ पर से कुछ भी टाइम अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ए अगर यहाँ पे 10 पे पहुँचा और बी यहाँ पे 10-11 में पहुँचा है, क्लियर, तो बोला जाएगा ए ने ये रेस 1 मिनट से जीत लिया है, क्लियर। अब उसने, अब वो रिजल्ट किस टर्म पे दे रहा है? इन टर्म ऑफ टाइम पे दे रहा है, क्लियर। अच्छा, इस, अब आप लोगों को पता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के टाइम पे जाना है। देखो जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम पे ये पोजीशन थी, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिस टर्म पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस टर्म पे ये पोजीशन है, क्योंकि टाइम के टर्म पे रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। तो ए ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डिस्टेंस किसने कवर किया है? बी ने कवर किया है, क्लियर। तो इस केस में क्या चीज कांस्टेंट है? इस केस में आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्लियर। अगर आपका इफ डिस्टेंस is constant, so speed is inversely proportional to 1 upon t. S is inversely proportional to 1 upon Clear? Okay. ठीक है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन पे आपका रिजल्ट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस पे दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कर दोगे अगर रिजल्ट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस है। अगर रिजल्ट इन टर्म ऑफ टाइम है तो आप लोग क्या करोगे? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो ये रिजल्ट है ना, आपका रिजल्ट तो यही रहा ना, रिजल्ट यही है, ठीक है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन रिजल्ट इज गिवन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। और इसी के हिसाब से क्या है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन रिजल्ट इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम। तो आप लोगों को कोई भूलने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही है, क्लियर। अगर आप लोग इस फंडे को समझ गए हो, ठीक है, तो रेसेस के क्वेश्चंस करने पे, ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर। चलो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग सर्कुलर रीजनिंग, सॉरी सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चंस करेंगे, और पार्ट 7 पे और पार्ट 8 पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों लीनियर और सर्कुलर दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे पार्ट 8 पे, क्लियर, ओके। चलो अब देख लेते हैं इस पे क्वेश्चंस। देखो, in a race of 200 meter, B can give a start of 10 meter to A, and C can give a start of 20 meter to B. अच्छा, इस पे और भी आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे अभी डेड हीट के, ठीक है, वो सब हम जब लेक्चर नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसे ही है बट वर्ड्स है, ठीक है। देखो क्या है, 200 मीटर का रेस है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं थॉरली समझा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इतना डायग्राम्स नहीं बनाएंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। एक 200 मीटर का रेस, ये रेस ट्रैक है, इस पे दो लोगों ने भागना शुरू किया है। बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए, इसका मतलब बी यहां से भागना शुरू कर रहा है, ठीक है। और बी क्या करता है, ए को 10 मीटर का एक स्टार्टअप देता है, मतलब ए यहां से भागना शुरू करेगा। ये क्या है, और 10 मीटर, ये पूरा कितना हो जाएगा फिर, 190 मीटर। क्लियर क्लियर। देखो ये रिजल्ट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। इसका मतलब बी यहां से भागना शुरू कर रहा है, ए यहां से भागना शुरू कर रहा है। बी ने ए को कितने का स्टार्टअप दे रखा है, 10 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है। अब जब ये भागना शुरू करेंगे तो दोनों इस पॉइंट पे 7 पे पहुंचेंगे, ठीक है। अगर वो ये नहीं लिखता कि कौन जीता कितने से जीता, तो स्टार्टअप दिया है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये लोग दोनों, अगर ये बात नहीं लिखा गया है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि दोनों यहाँ पर सेम टाइम पे पहुंचे हुए हैं। क्लियर। तो ये रिजल्ट किस टर्म पे दिया गया है, देखो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस के टर्म पे है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं SB/SA कितना हो जाएगा। देखो SB के लिए डिस्टेंस 200, SA के लिए डिस्टेंस 190, ये बात मैं लिख सकता हूं। क्लियर। सेकेंड केस देखो, क्लियर। एंड सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, ठीक है। एक और रेस है, वही 200 मीटर का अगर रेस है, अगर सी यहां पर है, सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, मतलब बी यहां पर है, ये सब आप लोगों ने पेपर पे बनाना नहीं है, ठीक है ना, ये बस आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, SC स्पीड ऑफ C अपॉन स्पीड ऑफ B क्या लिख सकते हो। SC कितना होगा, SC, C तो पूरा भागा है 200, B कितना भागा है रेस, B भागा है सिर्फ 180। क्लियर, ये चीज आ गई, ठीक है। द स्टार्ट दैट C गिव्स टू A, अब बोलते हैं कि C A को कितने का स्टार्टअप दे सकते हैं। इसका मतलब मुझे SC/SA पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, SB/SA इंटू SC/SB इज इक्वल टू 200/190 इंटू 200/180। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 9 जा, तो ये आ जाए SB कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास SC/SA इज इक्वल टू 200 171। क्लियर? अब आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस की ही बात हो सकती है। इसी को मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, और ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। इसका मतलब जब C मेरा 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उस टाइम पर A कितने का डिस्टेंस कवर कर रहा है? 171 का। तो ऐसा होगा कि C ने पूरा 200 कवर किया है, A ने कितना कवर किया है? A ने कवर किया आपका 171। तो कितने का स्टार्टअप मिल सकता है इसे? स्टार्टअप मिल सकता है इसे 29 मीटर का। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्लियर? देखो एग्जाम्स पे आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं? खाली ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है और ये पॉइंट लिखना है डायरेक्टली। क्लियर? ये सब फिगर बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली लिख सकते हो आप लोग बहुत इजीली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो सेकेंड पे दिया है तो आप लोगों को पता है सेकेंड पे दिया है तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब एस ए ओवर एस बी इज इक्वल टू क्या होगा? टी बी अपॉन टी ए। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, इन्वर्सली में एस यहाँ है तो उसका रिस्पेक्टिव टी यहाँ पर आएगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड, इसका मतलब अगर मैं एस ए बोलता हूँ अपॉन एस बी बोलता हूँ तो A ने B को 30 सेकेंड से हरा दिया। अगर A को T टाइम लगा तो B को कितना टाइम लगा होगा? T प्लस 30। यही है ना? देखो A को T टाइम लगा तो B को कितना टाइम लगा? T प्लस 30, मैंने उसे लिख दिया। सिमिलरली B बीट C बाय 15 सेकेंड, मतलब वो बता रहा है SB अपॉन SC। अच्छा, SB कितना लिया है? देखो मैंने SB T प्लस 30 लिया है, SB को लिख दो T प्लस 30। ठीक है, उल्टा चलेगा इस पे। ठीक है, SB कितना है? T प्लस 30 है। B बीट C बाय 15 सेकेंड, SB को T प्लस 30 लगा है तो SC को कितना लगेगा? T प्लस 30 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 15 सेकेंड और लगेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या होगा? T प्लस 45 अपॉन टी प्लस 30। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलता है देखो, ये लिखना क्लियर हो गया ना? इसमें देखो इन्वर्सली लिखा हुआ है मैंने, ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड। इसका मतलब अगर ए को टी टाइम लगता है तो बी को कितना टाइम लग रहा है? टी प्लस 30। ये देखो इन्वर्सली रिलेशन है। अब मुझे पता है B को तो T प्लस 30 लगता है तो B का ये यहाँ पर आएगा ना, B का साथ में नहीं आएगा। B को तो T प्लस 30 लगता है और B C को कितने पे हरा देता है? B C को 15 सेकंड से हराता है तो C को कितना टाइम लगना चाहिए? C को लगना चाहिए T प्लस 45। क्लियर? आगे देखो, इफ A बीट C बाय 180 मीटर, अब वो डिस्टेंस के टर्म पे दे रहा है, मतलब वो बता रहा है एस ए ओवर एस सी कितना है? SA ओवर SC कितना है? A बीट C बाय 180 मीटर। किलोमीटर का रेस है तो A ने पूरे जब 1000 मीटर भाग लिया था उस टाइम पे C ने कितना भागा है? C ने 820 ही भागा है, तभी तो वो 180 मीटर से हार गया। यही बात तो बोली गई है। अब देखो ये डायरेक्टली लिखना आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। क्लियर? क्लियर ना? देखो A 1000 मीटर भागा है, B 820 मीटर भागा है, C 820 मीटर भागा है, तभी तो हम बोलेंगे A बीट C बाय 180 मीटर। इसका मतलब जब A पूरा 1000 भाग चुका था तो बी उससे क्या था 180 मीटर दूर था। इसका मतलब सॉरी सी उससे 180 मीटर दूर था। इसका मतलब सी कितना भाग चुका था, सी 820 मीटर भाग चुका था। क्लियर ओके। अब देखो इक्वेशन इसे और इसे देखो एस बी कट रहे हैं ना, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या बोलोगे एस ए ओवर एस बी इंटू एस बी ओवर एस सी इज इक्वल टू टी प्लस 30 अपॉन टी इंटू टी प्लस 45 अपॉन टी प्लस 30। दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ जाएगा एस ए ओवर एस सी इज इक्वल टू टी प्लस 45 अपॉन टी। यहीं पे एस ए और एस सी कितना है यहाँ पर, इसे सिंप्लीफाइड कर दो, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, दिस इज 50, दिस इज 41। तो एस ए ओवर एस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 50 over 41। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा देखो 50t इज इक्वल टू 41t प्लस 41 इंटू 45। अब जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। फास्टर अप्रोच के लिए ये बात ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 41 यहाँ पर जाएगा, ये 9 बनेगा और 9 इस 45 को काटेगा ही, ठीक है, तभी आंसर आपके ऐसे आएंगे, वरना तो आंसर पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या करना, मल्टीप्लीकेशंस को अवॉइड ही करना। क्लियर। तो अब इस 41 को यहाँ पर ले आए तो ये क्या बन जाएगा 90 इज इक्वल टू 41 इंटू 45। 9 1 जा 9 5 जा और 41 इंटू 5 205 सेकेंड्स। ठीक है, टी पूछा था उसने, द टाइम टेकन बाय ए, और ए का हमने टाइम टेकन क्या माना था, टी माना था। क्लियर। तो ए ने कितना टाइम लिया 205 सेकेंड्स। क्लियर ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 4:7। ए लूजेज द रेस बाय 270 मीटर। डिस्टेंस के टर्म पे बताया है तो आप लोगों को पता है एस ए ओवर एस बी इज इक्वल टू डी ए ओवर डी बी होगा अगर डिस्टेंस के टर्म पे है तो। क्लियर। अच्छा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी ये भी दे रखा है आपको 4/7 इज इक्वल टू ए लूजेज द रेस बाय 270 मीटर। ए कितने से हार जाता है रेस को, 270 मीटर से। ठीक है, अब मुझे पता नहीं रेस का लेंथ ही पूछा हुआ होगा, लेंथ ही पूछा है, मुझे पता नहीं लेंथ ए का लेंथ रेस का लेंथ कितना है, बट मुझे पता है कि अगर बी ने एल भागा है तो ए ने कितना भागा है एल माइनस 270, तभी तो ए लूजेज द रेस बाय 270 मीटर। बी एल भागा है, ए उससे उस टाइम पे खाली 270 मीटर कम भागा है, तभी तो आप बोलोगे कि ए लूजेज द मैच बाय 270 मीटर। क्लियर, कंडीशन बन गई, बस अब इसे कर दो 4L इज इक्वल टू 7L माइनस 7 इंटू 270। अब देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा या इसे यहाँ पर ले आओ, इसे यहाँ पे ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा 3L इज इक्वल टू 7 इंटू 270। 3 1 जा 3 9 9 7 जा 63। ठीक है, इसका मतलब रेस लेंथ का ट्रैक कितना था 630 मीटर्स। क्लियर, ठीक है। तो मेनली आप लोगों ने क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, आप लोगों ने बस यही याद रखना है, ये वाला कंडीशन। दो कंडीशन है आप लोगों के लिए, अगर रेस को डिस्टेंस के टर्म पे दिया है तो SA ओवर SB इज इक्वल टू DA ओवर DB, क्लियर। क्यों, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है आगे, ठीक है। अगर रेस को टाइम के टर्म पे दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बस इतना सा बात आप लोगों ने याद रखना है। अगर इतनी सी बात आप लोग याद रखते हैं तो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इस पे जो है वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लेक्चर नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में पहले मैंने लिख लिया था क्वेश्चन नंबर 4, बट मुझे लगा कि उसे हमें बाद में डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि उस टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस कर लो, तब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अभी। ओके, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर A बीट्स B बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। अब दोनों चीज दिया है, देखो, मतलब डिस्टेंस के टर्म पे भी दिया है रिजल्ट और टाइम के टर्म पे भी दिया है रिजल्ट। तो कोई बात नहीं, आपको तो पता है क्या, SA ओवर SB इज इक्वल टू, अगर इन टर्म ऑफ डिस्टेंस होता है तो DA ओवर DB और इन टर्म ऑफ टाइम होता है तो TB ओवर TA, क्लियर। आप लोगों को ये बात पता है, ये कैसे लिख रहा है, इसके पीछे का कंसेप्ट भी आप लोगों को पता है, क्लियर। तो आप लोग लिख लो, तो लिख लेता हूं मैं SA ओवर SB इज इक्वल टू A बीट्स B बाय 100 मीटर। इसका मतलब A ने जब पूरा 100 मीटर ट्रेवल करा था, भाग लिया था, उस टाइम पे B ने खाली कितना भागा था, 900। मतलब डिस्टेंस जब A ने पूरा 1000 कवर कर लिया था, B ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, खाली 900, तभी तो वो 100 मीटर से हारा। और या तो 10 सेकंड से, और A बीट्स B बाय 10 सेकेंड। इसका मतलब A अब नीचे आएगा, A ने अगर T टाइम लिया था तो B ने कितना टाइम लिया, T प्लस 10 टाइम लिया, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके T निकाल सकता हूँ ना आराम से। देखो, दिस जीरो कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ जाएगा 10T इज इक्वल टू 9T प्लस 90। तो T आ गया मेरे पास कितना, 90 सेकेंड्स, ठीक है। T कितना आ गया मेरे पास, T 90 सेकेंड। इसका मतलब A ने रेस को कितने टाइम में खत्म कर लिया था, 90 सेकेंड्स पे, और B ने रेस को कितने टाइम पे खत्म किया, B ने T प्लस 10 पे किया है, मतलब 90 प्लस 10 मतलब 100 सेकेंड्स पे खत्म किया, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से, क्लियर। आगे क्या बोलता है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, if they start the race of 1000 meters simultaneously from the same point and if B gets injured after running 50 meter less than half the race length and due to which his speed get half, then by how much time will A beat B? Okay, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अब क्वेश्चन बोलता है कि हुआ क्या कि एक 100 मीटर की रेस लगाई, कंडीशन दूसरा दिया उसने, बोलता है कि A तो नॉर्मल भागा जैसे भागता है, A में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है, और TA 90 सेकेंड पे ए यहां पहुंच गया। बट बी के साथ क्या प्रॉब्लम आई, हाफ से 50 मीटर और पहले, मतलब यहां पे 450 मीटर। देखो बी की, अगर बी की बात करूं तो बी 100 मीटर के रेस को 100 सेकंड पे कवर करता है। ठीक है, अगर ऊपर वाली जो पहले जो कंडीशन दी थी उसमें यह था कि बी 100 मीटर की रेस को 100 सेकंड में कवर करता है। क्लियर, इसका मतलब बी 1 सेकंड पे कितना भाग रहा था, बी 1 सेकंड में 10 मीटर भाग रहा था। क्लियर, तो ये 450 मीटर उसने कितने देर में कवर कर लिया था होगा, 450 मीटर उसने 45 सेकंड्स पे कवर कर लिया था बी ने। उसके बाद जाके इस पॉइंट पे क्या हुई, उसे इंजरी हुई। बचा कितना है अभी, 550 मीटर। ठीक है, अगर इंजरी नहीं हुई होती, ठीक है, ये अज्यूम करता हूं कि अगर इंजरी नहीं हुई होती तो बी इसे कितने टाइम पे भाग जाता, 55 सेकंड्स पे भाग जाता, बिल्कुल भाग जाता। बट इस पॉइंट पे इंजरी होने के बाद बी की स्पीड क्या हो गई, अब हाफ हो गई पहले के मुकाबले। अगर बी की स्पीड हाफ हो गई तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मान लो कोई एक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भागते हो तो 1 घंटा लगेगा। अगर मैं बोलूं कि आपकी स्पीड को आधा कर दूं तो टाइम क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्लियर सी बात है ना, अगर इस आपकी स्पीड आधा कर दूं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दुगना हो जाएगा। तो पहले ये जो डिस्टेंस था 550 मीटर का, इसे कवर करने में उसे 55 सेकंड लगते थे। अब इंजरी होने के कारण स्पीड आधी हो गई तो अब ये 55 सेकंड क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब अब उसे ये 550 मीटर को ट्रेवल करने में 110 सेकंड्स लगेंगे। क्लियर, क्योंकि उसकी स्पीड आधी हो गई तो टाइम टेकन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रैक्टिकली भी यही तो है। तो बी को कितना टाइम लग गया यहाँ इस रेस को कंप्लीट करने में, पहले 45 सेकंड तक तो ये, फिर उसके बाद 110 सेकंड ये, इसका मतलब 155 सेकंड्स लगे बी को ये रेस खत्म करने में। तो पूछा है बाय हाउ मच टाइम ए बीट्स बी, तो ए ने बी को कितने टाइम पे बीट्स किया, ए ने बी को 65 सेकंड से बीट किया। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए 65 सेकंड्स। क्लियर, ओके, होपफुली आपको जो 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग बुक से रेस के क्वेश्चंस पक्का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम सर्कुलर रेस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर रेस के जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिले आप उसे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सर्कुलर रेस के बाद जो पार्ट नंबर 8 पे हम लोग इसके थोड़े और एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने एंड से भी इस टॉपिक को, रेस को प्रैक्टिस कर लें, ताकि जब पार्ट 8 में डिस्कस करूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सको। क्लियर, ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पार्ट 5 पसंद आया होगा। अगर पार्ट 5 पसंद आया है तो आप लेक्चर को लाइक पक्का से कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को इस लेक्चर में फेस हो रही है या किसी भी लेक्चर में फेस हो रही है तो आप उसके लेक्चर के कमेंट्स पे अपने प्रॉब्लम्स लिख लो। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, या तो आपकी कोई एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है तो उसे आप फेसबुक के ग्रुप पे पोस्ट कर दो, वहाँ पर कोई ना कोई आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन पक्का से बता देगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।